राजगढ़ जिले की ब्यावरा शहर के नगर पालिका कार्यालय में कार्यरत ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन के लिए आवेदन सबमिट करने वाले एक बाबू को भवन निर्माण की स्वीकृति के एवज में 3,000 की रिश्वत लेते हुए भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। ये कार्रवाई दोपहर के समय की है, जबकि शाम 5 बजे तक पड़ताल जारी थी। ब्यावरा नगर पालिका कार्यालय में पहुंचे करीब एक दर्जन भर लोकायुक्त टीम के सदस्य द्वारा शिकायतकर्ता भागीरथ जाट एवं गिरिराज कसेरा, जो कि प्राइवेट इंजीनियर है, उन्होंने शिकायत की थी। ऑनलाइन परमिशन के लिए फाइल चढ़ाते थे, जो भी परमिशन होती थी बिल्डिंग की, तो पहले वो नगर पालिका में आती थी, तब यहाँ से आगे बढ़ती थी। जब तक हम नगर पालिका में उस चीज़ का पैसे नहीं देते थे तो फाइल नहीं बढ़ाते थे, बोलते थे इसका लगेगा और नहीं देंगे तो फाइल रिजेक्ट करके भेज देते थे। हम लोगों ने कई बार उनको बोला भी, सर देख लो कुछ कम कर लो, ऐसा कुछ मतलब एक लिमिट से ज़्यादा 5,000 फाइल पे, तो उनसे बोला, पैसे देते हुए भी कई बार काम नहीं होता था, तो इस चीज़ को कई बार बोला, जब परेशान हो गए इसके बाद हमने लोकायुक्त में शिकायत की, कसेरा जी भी हैं इनने शिकायत की, तो उसके बाद जब आज टीम ने आके यहाँ देखा तो उन्हें छापा डाला। शिकायत सर हमारी कितने दिन पहले की थी? शिकायत थी सर हमारी 24 तारीख 24 मार्च जी सर। वो भी मेरे मतलब ग्यारह में सिविल इंजीनियर हैं, वो भी ऑथराइज, उनकी भी यही प्रोसेस है। कितना पेमेंट दे चुके हैं, कितनी फाइल हो गई नहीं, ये मतलब वो जो हो गया वो तो ठीक है, पर अब ये जो फाइल है इसका तो रिसेंट है। दिनांक 24 मार्च को, विगत दिनांक 24 मार्च को आवेदक भागीरथ जाटव, पिता गीसालाल जाटव जो ब्यावरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा लोकायुक्त भोपाल में शिकायत की गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि वो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर नगर पालिका परिषद ब्यावरा में कार्य करते हैं और बिल्डिंग परमिशन जो पास की जाती है उनका आवेदन वो ऑनलाइन सबमिट करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि नगर पालिका परिषद ब्यावरा में भवन निर्माण संबंधी अनुमति का कार्य देखने वाले बाबू संजय सिंह जाट द्वारा एक भवन निर्माण अनुमति के लिए उनसे पहले 4,000 रुपये और फिर 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। ये शिकायत पर हमारे द्वारा उस शिकायत का सत्यापन किया गया और शिकायत सही पाए जाने पर आज आकर यहाँ पर संजय सिंह जाट को हमने आवेदक भागीरथ जाटव से 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त की टीम में कितने सदस्य हैं? हमारी टीम में करीब 12 सदस्य हैं, सभी लोग मिले। और दूसरी जगह नहीं, रेड यहीं पर है, बाकी अभी कार्रवाई जारी है, उसके बारे में फिर हम आगे अपडेट दे देंगे। अभी कार्रवाई शुरू हुई है, काफ़ी सारी यहाँ कार्रवाई की जाएगी, तो अभी उसके बाद अगली क्या और अपडेट है वो कुछ समय बाद आपको दे देंगे। ठीक है, हाँ, विभागीय कार्रवाई में उनको यहाँ इस पद से हटाया जा सकता है। और राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की ये रिपोर्ट।